हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप प्रजापत, वेलकम टू मल्टीपल आइडियाज़ चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे की टिकट खुद ही कैसे बुक कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, मीन्स हमें किसी से कहीं पे जाके कर साइबर कैफ़े या रेलवे काउंटर पर जाके करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे कर सकते हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे हमें बुक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC की रेलवे की वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली ऐप से भी कर सकते हो। तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर IRCTC रेलवे ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे कि हम दिखा देते हैं यहाँ पर आपको कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। आपको आपको लिखना है IRCTC। क्लियर फ्रेंड्स, हमको इतना ही लिखना है और सर्च करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐप ओपन हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, अभी मुझे अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो हम इसे डायरेक्टली ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर दिख रहा है, हमने इसे ओपन किया। तो फ्रेंड्स, ये हमने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। आप इस पर जाकर अपनी ID वगैरह बना लीजिएगा। आपको ID जो बनाना है आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ही बनाना होगा फ्रेंड्स। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर देख सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर लॉगिन कर रखा। तो फ्रेंड्स, आपको जो पासवर्ड है वो तो डालना ही पड़ेगा, और साथ में आपको एक जो मोबाइल में आप लॉगिन करोगे तो उसके लिए 4 डिजिट का पासवर्ड एक और आ जाएगा आपके पास, वो भी आपको डालना होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कुछ 6 ऑप्शन शो कर रहे हैं। एक प्लेन माई जर्नी, माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, कैंसल टिकट, रिफंड हिस्ट्री एंड फाइल TDR। क्लियर फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, अगर हमें बुकिंग करना है तो हमें प्लेन माई जर्नी पर क्लिक करना होगा। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है। क्लियर फ्रेंड्स, सपोज़ हम करते हैं क्लिक इंदौर टू वाराणसी। फ्रेंड्स, अभी मैं इंदौर में हूँ, और अगर सपोज़ मुझे वाराणसी जाना हुआ तो मुझे टिकट बुक करनी हो तो अगर आपको पता होना चाहिए कौन सी टिकट कौन से डे को मिलती है। तो हमें यहाँ की डायरेक्टली ट्रेन है इंदौर से वाराणसी, जो हमें 4 मार्च को मिलेगी, वेडनेसडे। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं। हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि कुछ शो हो रहा है फ्रेंड्स, ट्रेन सर्च हो रही है कि अवेलेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रेंड्स अब वापस से लॉगिन का ऑप्शन आया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था लॉगिन करे हुए। तो यहाँ पर एक बार और मुझे लॉगिन करना होगा विथ कैप्चा के साथ। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैं वापस लॉगिन कर लेता हूँ। हमने लॉगिन किया फ्रेंड्स, देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर डिजिट डाल दिए 4 डिजिट, जो कि मैंने आपको बताया था पहले। अगर आप न्यू यूज़र्स हो तो फ्रेंड्स आप रजिस्टर यहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्टली लॉगिन करते हैं यहाँ पर। ये हमने लॉगिन किया, अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कैप्चा आ जाता है इस टाइप से। तो आप अगर इस टाइप से आता है तो फ्रेंड्स इसको सोल्ड आउट करना होगा आपको, ट्रैफिक लाइट। तो हम इसे सोल्ड आउट कर लेते हैं कि हमें ट्रैफिक लाइट कहाँ कहाँ शो कर रही है। 1 2 3। क्लियर फ्रेंड्स, हमने ये लॉगिन किया, अब आप देख सकते हो कि लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आप भी लॉगिन करोगे तो इसी टाइप से आपको भी शो होगा, अगर इस ऐप के थ्रू आप करते हो तो। आप जैसे ही लॉगिन करोगे देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट लॉगिन हिस्ट्री भी बता रहा है कि मैंने आज ही किया था। अब मैंने वापस से प्लेन हिस्ट्री पे जाऊँगा, और मुझे यहाँ से जाना हो 4 मार्च को, ट्रेन सर्च करता हूँ कि मैं अवेलेबल है कि नहीं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स 2 ट्रेन अवेलेबल है हमारे पास, काशी महाकाल एक्सप्रेस और इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि हम कुछ स्टेप मिस कर जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम कोई सी भी एक ट्रेन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो दोनों ट्रेन वेडनेसडे को अवेलेबल है। तो हम ये ऊपर वाली काशी महाकाल पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें अवेलेबल नहीं, इसमें ओनली 3rd AC। तो हम ऐसा करते हैं इंदौर राजनगर पर क्लिक करते हैं और स्लीपर पर। क्लियर फ्रेंड्स, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर ये ट्रेन कब अवेलेबल रहेगी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं स्लीपर, उसका ट्रेन का नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है कि 19313 है। अब ये 4 मार्च को हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन है, और 4 मार्च को यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वेटिंग में है और 80 सीट्स वेटिंग में अवेलेबल है पहले से। तो हम क्लिक करते हैं इस पर। क्लियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर करते हैं गो टू पैसेंजर। क्लियर फ्रेंड्स, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बैक आके आपको बता दूं कि आपको तत्काल में भी सीट बुकिंग करनी हो तो आप कर सकते हो।
आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डिपार्चर टाइम कब से कब है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लेडीज़ चाहिए या आपको तत्काल में चाहिए। तो आप अगर तत्काल वाले हो तो फ्रेंड्स तत्काल की टिकट एक दिन पहले होती है, तो आप कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम अभी तत्काल की इसलिए नहीं बता रहे हैं फ्रेंड्स कि तत्काल में थोड़ा, और तत्काल में फ्रेंड्स ज़्यादा चार्जेस भी लगते हैं, ये बात का भी आप ध्यान रखना थोड़े बहुत। तो हम अभी जनरल सिटीज़ जनरल का टिकट बुक करते हैं। तो हमने ये इंदौर पर क्लिक किया, और स्लीपर या सेकंड एसी या थर्ड एसी आपको जो भी चाहिए, हमने स्लीपर पर क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, 4 मार्च को करते हैं फ्रेंड्स। अभी वेटिंग में 81 हो गई, अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले वेटिंग 80 थी, अब 81 हो गई क्योंकि एक सीट और बुक हो चुकी है, और आप इसकी प्राइस भी यहाँ पर शो कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स? आप देख सकते हो 525। हमने गो टू पैसेंजर डिटेल पर क्लिक किया फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर कोई सी भी ऐड करना है, आपको सीट जो भी ऐड सीट चाहिए। हम यहाँ पर सपोज़ मेरा नाम ऐड करते हैं, मैंने मेरा नाम लिखा, मैं अपनी एज लिख देता हूँ और मेल। क्लियर फ्रेंड्स? अब नेशनलिटी लोअर बर्थ चाहिए कि क्या चाहिए, मैं नो प्रेफरेंस कर देता हूँ कि जो भी अवेलेबल रहे मुझे वही मिल जाए। क्लियर फ्रेंड्स? नेशनलिटी मैंने कर दी और ऐड पैसेंजर कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? अब आप देख सकते हो। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको इसको बुक करना है। क्लियर फ्रेंड्स? आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम डेबिट के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का हो चुका है ओपन। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। आप पेमेंट में क्या करें फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 525 आ रहा था, तो इसमें थोड़े से चार्जेस बढ़ गए फ्रेंड्स। ये हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़े से चार्जेस बढ़ जाते हैं। हमने ये प्रोसीड टू पे किया, और प्रोसीड टू पे अब कैसे करना चाहते हो आप यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपके पास वॉलेट करना चाहते हो तो वॉलेट से भी कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स वॉलेट से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्यों? क्योंकि वॉलेट पे साइट बिजी होती है वॉलेट के थ्रू, तो जब आप तत्काल टिकट करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से करते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? आप देख सकते हो कि डेबिट कार्ड बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप जिस भी डेबिट कार्ड से करना चाहे कर सकते हैं। तो हम करेंगे अभी डेबिट कार्ड जो IRCTC आ रहा है इसी पर करेंगे क्लिक। अगर आपके पास कोई इन सब में बैंक से रिलेटेड कोई सी भी हो तो आप उससे भी कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम करते हैं IRCTC और पे करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का पेज ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होने के कारण नेट जो पेज है उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आपकी कार्ड, जो डेबिट कार्ड है आपके पास, उसका कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट और CVV और आपका जो कार्ड जिस नाम से वो डालकर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अभी जो टिकट है वो वेटिंग में है फ्रेंड्स, तो जब भी अवेलेबल रहेगा जोन सी भी डेट को, जैसे कि अभी हमने एक दिन बाद का देखा तो उसमें अवेलेबल नहीं है, अगर आप 2-4 दिन बाद का देखोगे तो उसमें अवेलेबल रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में इजीली पूछ सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।